What is up, everybody? This is Mohit. You watch your favorite reaction. What's the five reactions? So, guys, I'm finally back, and आज मैंने इतनी फटाफट से इंट्रो इसलिए दिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी मुझे अपनी मॉम को ये लास्ट पार्ट लास्ट क्लाइमैक्स पार्ट दिखाने के लिए. एंड मॉम कल जब से हमने वो सीन देखा है अधीरा वर्सेस रॉकी तो मैं आगे देखने वाली थी. मैंने बोला पूरी दिखा दे पर तूने बोला पूरी नहीं दिखा सकता. मैंने अपने ऑडियंस को अपने व्यूअर्स को पहले ही बोल दिया था कि ये क्लाइमैक्स पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे. एंड इससे पहले जो हमने देखा अधीरा वर्सेस रॉकी, उसमें रॉकी कहाँ जाते हैं वहाँ पर वो सीन मैंने रोक दिया था. उसके बाद आज हम रिएक्ट करेंगे रॉकी कहाँ जाते हैं और किससे बदला लेने जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में. हम चाहते गाइज, मैं चाहता तो अपनी मॉम को पहले ये सीन दिखा देता, पूरी मूवी दिखा देता, बट मैं चाहता था कि मॉम का और मेरा बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है और हम लोग आपके सामने ये सीन इंजॉय करें लास्ट वाला. एंड इसलिए मैंने अपनी मॉम को स्पॉइलर भी नहीं दिया है अभी. सो गाइज, अब वेट नहीं हो रहा यार. हम कल से मतलब कल हमने ये सीन देखा था और रात को भी मतलब हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई क्या होने वाला है आगे. बात तो यार हम सारा दिन KGF की भाई, सारा दिन रॉकी भाई और KGF की बातें होती है. यस, सो अब देखते हैं क्या होता है गाइज. मूवी तो ऐसी है, छाई हुई है दिलो दिमाग पे. दिलो दिमाग पे छाई हुई. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज रिएक्शन ऑन दिस मास क्लाइमेक्स सीन. अब रहा नहीं जा रहा यार, सो लेट्स गो. वो रोक रहा है उसे जाने के लिए. जंग खत्म हो गई, कोई दुश्मन नहीं बचा. अब कहाँ जा रहा है वो? अभी एक जिंदा है ना. एक गांव की कहानी सुनाती हूँ. एक बार उस गांव में कुछ लुटेरे आए, उन्होंने एक घर का कब्जा किया. गली के लोगों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम. फिर उन्होंने गली का कब्जा किया. गांव वालों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम. फिर उन लुटेरों ने पूरे गांव का कब्जा किया. उन कब्जा करने वालों को ब्रिटिशर्स कहते हैं और उस गांव को इंडिया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कहकर छोड़ दिया. दैट इज व्हाई दे रूल्ड ओवर अस फॉर 250 years. यू सी, सबका ध्यान तेजी से घूम रही लट्टू पर ही था, लेकिन उसे घुमा रही डोर पर किसी का ध्यान नहीं था. There was a mastermind behind all this, and Rocky was going to get rid of that mastermind. सीधा पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया. एक ऐसा आया है जो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा. But I will not allow him to prevail because I am going to make it my problem. अगर मेरे एक दस्तखत से हम उसे कब्जे में ले सकते हैं तो फिर आज मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ. पार्लियामेंट हाउस घुस गया. सूर्यवर्धन ने KGF को जिस वक्त गरुड़ा के हाथ में दिया उसी वक्त उस अनजान हाथ की साजिश शुरू हो गई. लोग समझे थे अधीरा ने गरुड़ा पे अटैक किया, लेकिन उसके पीछे यही हाथ था. गरुड़ा ने अधीरा पे अटैक किया और अधीरा बच गया. उसके पीछे भी यही हाथ था. रॉकी ने KGF को अपने कंट्रोल में लिया, इसलिए अधीरा को बुलाने वाला, अधीरा को तीसरा माइंड दिखाने वाला भी यही हाथ था. माइंड नंबर 3 को ओपन हुए 30 साल हो गए. दिल्ली से कॉल है. दिल्ली में पावर गिराने वाला, शेट्टी को इनायत खलील की तरफ झुकाने वाला हाथ भी यही था. घर का बेदी KGF का रास्ता दिखाने वाला हाथ भी यही था. हाथी को जो मार सकता है वो बंबई में रॉकी. रॉकी अब उसी हाथ को काटने गया है. घर का बेदी लंका ढाए.
पता लगाए। I told you earlier, there was only one person who could bring down KGF, and that was Rocky himself. उसके बारे में न किसी को कुछ लिखना न पढ़ना चाहिए। उसका नाम और निशान इतिहास के पन्नों में नहीं होना चाहिए। जो कोई भी बीच में आए तो उसे मार दो, चाहे तो सबको खत्म कर दो। Ready, I am enforcing the army. I'm signing the death warrant of the biggest criminal in India. The civilians are not engaging. It looks like they are evacuating KGF. Sir, Rocky is not here. The room is empty. Repeat that. Rocky is not. Yes, sir. There's no sign of the gold too, sir. Where is he gone? This is Captain Surya Pratap, commanding officer of INS Indrajit, doing training wells in the Indian Ocean. Yes, Captain. पता चला कि आप रॉकी नाम के क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं. Yes, Captain. We got a fact. रॉकी यहाँ इंडियन ओशन में ही है. उस दिन रॉकी के पास जितना सोना था उतना दुनिया में किसी के पास नहीं था। इतना सोना छुपाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, समुद्र। वो वही चल पड़ा। कैप्टन, वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, किसी भी कीमत पर भागने ना पाए। सॉरी टू से दिस मेजर, बट आई डोंट थिंक दैट ही इज ट्राइंग टू एस्केप। ये क्या बोल रहे हो आप? यस, हमें ये फैक्ट्स रॉकी के शिप से ही आया है। ओ। वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। वाओ, खुद ही आ रहा है भाई सामने। आ जाओ, गेट द विजुअल्स यार। उसने यही फैक्स अमेरिकन और इंडोनेशियंस को भी भेजा है। उसी ने फैक्स भेजा है सबको, अमेरिकन ओशन के उसको भी भेजा है, जितनी भी आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। You are about to enter international waters from the Indian waters. Turn off your engines and prepare for surrender. Surrender के लिए बोल रहा है वो। I repeat, turn off your engines and prepare for surrender. All the civilians have been cleared from KGF. The armed forces are also marching out of KGF now. Begin secondary incursion. It's a go for the military. This is your last warning. Turn off your engines and prepare for surrender, or we will fire. अटैक हो गया भाई, आर्मी ने मार दिया उसको अटैक। पूरी सेना लग गई है। हाँ, दारू के लिए वो तो बैठा हुआ था। Waiting for your final orders, madam. I repeat, we are waiting for your final orders for the strike, madam. Rocky is not responding to the warnings, major. The US Navy and Indonesian Navy are closing in. We are waiting for your orders. अभी भी दारू हाथ में।
बच्चे तो सिविलियंस को निकाल दिया ना केजीएफ में से, अब केजीएफ पे अटैक होगा पूरा। एरिया 1951 पे। डॉक्टर, क्या हुआ? लगता है निमोनिया है। अब तक तुम क्या कर रही थी? ऊपर से बारिश में लेके आई हो? तुम लोग भी ना कितने लापरवाह हो, खुद को डॉक्टर समझते हो क्या? बहुत फैल चुका है, अगर तुम्हारे बच्चे को शहर नहीं ले गए तो नहीं बचेगा। बदन जल रहा था तो लेकर आई, मेरे बेटे की जान के बारे में बात करेगा तू? ये आंख बंद करता है तो सिर्फ मेरी लोरी सुनने पर, इसकी सांसों पर हक तुझे तो क्या, उस भगवान को भी नहीं है। बात वो नहीं है, बुरा मत मानना, तुम्हारे बेटे की 100 साल उम्र हो। कुछ लोग गुलाम बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। सुल्तान है। आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। भूलने की भूल करना नहीं। कुछ भी हारे अर्थी भी नहीं कोई बनाएगा उसकी, क्योंकि उसकी समाधि तक खुद के पैरों के निशान होंगे। क्या बात है, गूज़बम्प्स। दो घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई। केजीएफ को उड़ा रहे हैं। ओए होए, उसको भी लग गया। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा। माँ देखो देखो देखो, क्यों लग गया क्या? समुद्र में चला गया ना। हाँ, मार दिया मिसाइल। कहते हैं पैदा होने पर कोई कुछ नहीं लाता, मरने पर कोई कुछ नहीं ले जाता, पर वो जाते वक्त अपने साथ सब कुछ ले गया। क्या बात, क्या डायलॉग। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। मैं उस पर एक किताब लिखकर पूरी दुनिया को बताऊंगा वो क्या था, चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाए। एक एक एविडेंस कलेक्ट करके प्रूफ के साथ लिखूंगा। क्या लिखेंगे सर? अगर मेरे पिताजी यहाँ होते, इस कहानी को पुराणों में आने वाले भूत प्रेत या योद्धाओं की कहानी की तरह नहीं बताते, या इतिहास में होने वाले जंग या साधनों की कहानी की तरह भी नहीं बताते। एक छोटी सी गांव में जी रही एक मां की जिद की कहानी की तरह बताते। उसे कैसे मरना था उसने खुद लिखा था, पर वो कैसे जिया था वो मैं लिखूंगा।
पानी से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है, लेकिन इस माँ के आंसुओं से आग भी पैदा हुई। रॉकी नाम का इतिहास भी। आप सही कहते थे, वो गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। क्या हाल है। सो गाइस, ये मैंने दूसरी बार देखा क्लाइमैक्स, बट वो इमोशंस, वो देखने का नज़रिया मेरा वही था, फीलिंग्स वही थी। अभी भी आँख में आंसू है और पहले भी आँख में आंसू आए थे। कैसा लगा मम्मी सीन ये? भाई सीन बहुत ही इमोशनल था, और यार ये पता नहीं था कि वो आखिरी में ये सीन होगा। हाँ मतलब डेथ ही हो जाएगी सीधा, वो थोड़ा सीधा मर जाएगा, वो थोड़ा मतलब दुखद यार था। वो है ना एंड थोड़ा दुखद लगा, एंड थोड़ा दुखद था। और इसमें ये भी था कि भाई दूसरी बात ये है कि अगर जीना है किसी को जिंदगी में जीना है तो ऐसे लड़कर जिए, लड़कर जिए, मतलब ना कि मर मर कर। बंदा एक भी दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जिए, और ये सुल्तान ही थे। मतलब ये मतलब कुछ डर मतलब बिल्कुल सामने आ गया, गरीबों का मसीहा था वो, गरीबों का तरह से, मतलब गैंगस्टर नहीं था एक तरह से, मतलब गरीब का मसीहा था, मसीहा था ये भाई, ये ही हमारा भगवान है। और कैसे वो इंटरनेशनल वाटर मतलब सरेंडर नहीं करा उन्होंने, मतलब वो रॉकी ने सरेंडर, वो चाहता तो सरेंडर करके जेल में चले जाता, पर उसने सामना करा, उसने मौत चुनी और उसने अपनी मौत खुद लिखी हुई थी, और वो मैं ऐसे ही मरूंगा उसी। हाँ उसने भाई वो पूरे तैयार व्यार होके गया था, पूरा वो क्रूज में नेवी में गया था। एंड उसके बाद जैसे ही वो इंटरनेशनल वाटर्स ने मतलब वहाँ से यूएस की नेवी आ गई थी और वहाँ से इंडिया की नेवी आ गई थी और पूरा केजीएफ को उड़ा दिया। अब मुझे लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रशांत नील है वो एक और मूवी बना रहे हैं सलार, जिसमें हमारे प्रभास हैं एक्टर। अच्छा हाँ, और जो बाहुबली के एक्टर थे। ओके हाँ, तो वो इस स्टोरी से इंटरलिंक्ड है। अच्छा। अब वो कैसे है आप मुझे बताइए गाइस कमेंट सेक्शन में, हमें नहीं पता है बिल्कुल भी। सो गाइस दिस इज इट फॉर नाउ, ये था हमारा क्लाइमैक्स सीन, ये था आखिरी सीन इस मूवी का, एंड बहुत ही खतरनाक क्लाइमैक्स, ऐसा सीन कभी नहीं देखा यार, और इतने ज़्यादा इमोशनल सीन था ये। और रॉकी ने ऐसे डेथ मतलब यार ऐसे ऐसे गहरे डायलॉग थे, हम तो बोल भी नहीं पा रहे भाई, ऐसे ऐसे खतरनाक डायलॉग सुने। सो गाइस दिस वॉज आवर रिएक्शन फॉर टुडे, एंड कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट मूवी कौन सी लेके आएँ, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि हम अगली मूवी किस पर रिएक्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, चेक के लव यू ऑल, बाय गाइस।